स्टार्ट हुए तो बच्चे आपका केमिकल बॉन्डिंग है, मेक श्योर आपने सारी वीडियो देखी हो इससे पहले सीक्वेंस में, बिकॉज बेटा अगर आपने एक पार्ट भी मिस किया तो आपको दूसरा पार्ट में भी समझ में ना आए। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखो, जैसे हम क्लासरूम कोर्स करते हैं वैसे ही एक क्लासरूम कोर्स, आपको डिटेल कोटा मटेरियल मिल रहा है। तो मेक श्योर आप इनके नोट्स बनाओ और बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो हम पढ़ने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल थियरी है, बट इसको मैं एक यूनिक वे में आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बात समझो, एग्जाम्पल लेते हैं, फनी वाला एग्जाम्पल, क्योंकि 21 सेंचुरी में रह रहे हैं तो कुछ फनी एग्जाम्पल होने चाहिए ना लाइफ में। सपोज बेटा ये सोफा है, क्या है ये सोफा है, और ये सोफा यहां से क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है, मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल सोफा है, ठीक है। सपोज आप यहां पे बैठे हो और आपका दोस्त डी यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। आपका एक और एक ऐसा फ्रेंड यहां पे आ गया, एक फ्रेंड एफ यहां पे आ गया, जो आपको पसंद नहीं है और जो आपको बुरा भी नहीं लगता, मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रल है आपसे, ठीक है। तो आपका ये जो सोफा, इसकी पोजीशन ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब ये सोफा कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, है ना बेटा, क्योंकि ये आपको तो पसंद भी नहीं है, आपको गंदा भी नहीं लगता, तो जैसे हो वैसे के वैसे ही रहने वाला, मतलब फ्रेंड के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक बात समझो, इन केस क्या हो जाए कि आप यहां बैठे हुए हो, आप दोनों इस सोफा पे बैठे हो, एक सोफा के एंड पे आप बैठे हुए हो, आपका एक दोस्त एंड पे यहां बैठा हुआ है। सपोज क्या हुआ, आपके एक्स यहां पे आ गई, ठीक है। अब एक्स तो किसी को नहीं पसंद होती, तो अब एक्स के आने से क्या हो जाएगा, ये एक्स की वजह से ए रिपल्शन फेस करेगा और डी भी रिपल्शन फेस करेगा, है ना। ये एक्स दोनों को रिपल्शन फेस कराएगी, क्योंकि क्या पता कि कॉमन एक्स हो दोनों की, है ना। तो क्या होगा, ये एक्स ए को भी रिपेल करेगा, वैसे बेटा डी को भी रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन के वजह से, सिंस मैंने क्या बोला, फ्लेक्सिबल है सोफा, तो ये जो सोफा का जो शेप है अब वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना बेटा, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये एक्स अभी भी यहां पे है। तो जो पहला यहां पे जो शेप इसकी क्या होनी चाहिए थी, जो लीनियर शेप होनी चाहिए थी नॉर्मली, वो अब क्या हो चुकी है, देखो अब एक शेप कैसी बन चुकी है, बेंट शेप की, है ना बेटा। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज के आने के वजह से भाई साहब का देखो, जो पहले जो बॉन्ड एंगल था इन दोनों के बीच में कितना था, 180 का, पर एक्स के आने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 180 हो गया, ठीक है। अब ये देखो शेप लीनियर थी तो वो शेप चेंज होके बेंट शेप बन गई वो, मतलब क्या हुआ कि इस चीज के आने के वजह से सब कुछ बिगड़ गया। बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया, जो एक्सपेक्टेड था, जो एक्सपेक्टेड शेप थी दोनों की लीनियर सोफा की, वो कन्वर्ट होगी बेंट शेप में, एक्सपेक्टेड एंगल था 180 का, हो गया लेस देन 180। तो इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं, समझो मतलब ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अब सपोज दो मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूं मैं, CH4 एंड NH3, ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, अब आपको क्या करना है कि पहले तो इनके ज्योमेट्री बनाओ, कैसे दिखते हैं ये। देखो CH4 में कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp3, और इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होता है इसका, sp3। इसके पास होते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इसके पास होते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अगर आपको नहीं पता तो पिछले आगे में हाइब्रिडेशन की वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। देखो तो इसका शेप बनाएंगे तो कैसा रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और इसका शेप कैसा होगा, यहां पे 3 हाइड्रोजन तो होंगे बेटा, पर ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक है, एक लोन पेयर होगा, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब हमने क्या लिखा हुआ, हमने पहले हम जानते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, हमने बॉन्ड एंगल कितना लिखा हुआ है, ये देखो बेटा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब कि बॉन्ड एंगल, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना बेटा। वैसे ही NH3 में भी एक्सपेक्टेड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, बट जब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में फाइंड किया गया तो इसका तो बॉन्ड एंगल इतना ही मिला, जो रियल है वो इसका बॉन्ड एंगल इतना ही मिला, 109 डिग्री 28 मिनट, बट जो अमोनिया मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है जब ये फाइंड किया गया तो पता है बॉन्ड एंगल कितना मिला, इसका बॉन्ड एंगल हमको मिला 107 डिग्री, कितना मिला, 107 डिग्री। अब आप खुद सोचो बेटा, एंगल कितना था एक्सपेक्टेड, 109, हो कितना गया, 107। देखो यहां पे देखो, एंगल एक्सपेक्टेड 180, पर वो एक्स की वजह से रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से एंगल क्या हो गया, कम हो गया, है ना बेटा। क्योंकि देखो अगर कोई चीज किसी को रिपेल करेगा, कोई ऐसा इंसान है यहां से कोई रिपल्शन कर रहा है, तो रिपल्शन की वजह से ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि रिपल्शन होगा तो ये एंगल कम हो जाएगा, है ना बेटा। अगर मैं आपको दो पेन से समझाना चाहूं तो देखो इस तरीके से, सपोज ये और आपके दोस्त पहले इस तरीके से बैठे हुए थे, ठीक है।
आप ऐसे बैठे हुए थे, सपोज आपकी एक्स आ गई, तो एक्स क्या करेगी, आके आप दोनों को रिपेल करेगी, और रिपेल करेगी तो देखो ये जो बॉन्ड एंगल है, पहले ये बॉन्ड एंगल था, अब एक्स के आने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक्स दोनों को रिपेल कर रही है, तो बस रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो गया, कम। वैसे ही बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर। तो पता है क्या होता है बेटा, ये जो लोन पेयर है ना, ये इस बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है, यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्यों? क्योंकि देखो बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वैसे ये इसको भी रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाता है, कम। अभी मैंने बताया आपको, देखो अगर रिपल्शन ज्यादा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो बस हमेशा रखना है कि जो बॉन्ड एंगल है, जो बॉन्ड एंगल होता है हमारा बेटा, देखो बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा, हमेशा याद रखना है आपको कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिपल्शन के, किसके, रिपल्शन के, मतलब अगर रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, है ना। तो ये एक्स जितना आपको रिपेल करेगी उतना ही ये बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, आपको हमेशा याद रखना है कि बॉन्ड एंगल रिपल्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो रिपल्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर, तो ये जो रिपल्शन होता है इसको हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और यहाँ पे जो रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, LPBP, मतलब लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने हमको क्या बताया था कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिपल्शन होता है, उसके बाद जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, उसके बाद जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब इन तीनों रिपल्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रिपल्शन का होता है लोन पेयर के केस में, और लोन पेयर में बेटा रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि जिसके वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में 4-5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में ये रिपल्शन का ऑर्डर पूछा हुआ, तो हमेशा याद रखना लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ठीक है। अब आप खुद सोचो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अभी देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो बेटा अगर रिपल्शन इसके अंदर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, कम। और आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड एंगल 109 था और है कितना एंगल 107, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया बेटा, कम, और वो क्यों कम हुआ, ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने यही बताया था कि क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर आ जाता है ना, एक मॉलिक्यूल में अगर एक लोन पेयर आ जाता है सेंट्रल एटम के ऊपर, तो उस लोन पेयर के आने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, उसका शेप खराब हो जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमने बताया देखो, एक्स के आने की वजह से दोनों के देखो लीनियर था पर बेंट हो गया, 180 एंगल था बट लेस देन 180 हो गया, तो इसके वजह आने की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। वैसे ही बेटा अगर लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल चेंज तो ज्योमेट्री चेंज, ज्योमेट्री चेंज तो शेप चेंज। क्यों देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो अगर सपोज ये वाला शेप है, ये कौन सा शेप है, लीनियर, बट सपोज एक्स आ गए तो एक्स के आने वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों रिपेल हो जाएंगे, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये वी शेप का बन जाएगा, बेंट वी शेप का, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको ज्योमेट्री, तो आपको पता है जैसे कि sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, बट शेप कैसे फाइंड करते हैं, एग्जाम में शेप पूछता है, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क है मैं आपको अभी भी बताता हूँ 2 मिनट के अंदर, पर पहले हम लोग कुछ की पॉइंट्स है वो पढ़ लें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPRT क्या बोलती है, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज दिस, ठीक है। अब बात समझो, इफ द मॉलिक्यूल इज नॉट हैविंग अ लोन पेयर देन दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री एज पर द हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा अगर इसके अंदर CH4 के अंदर आप देखिए एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वही एग्जैक्टली होगी, जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी एग्जैक्ट होगा, मतलब कोई चेंज नहीं है। अगर एक्स यहाँ पे प्रेजेंट होती ही नहीं तो क्या इसके शेप और बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ता नहीं, तो बस ये बोल रहा है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है तो उसका बॉन्ड एंगल, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री सब क्या रहेगा, सेम, जो किसने बताया था हमको, हाइब्रिडाइजेशन ने बताया था, ठीक है। अब एक बात समझो, सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन अ लोन पेयर अलोंग विद बॉन्ड पेयर, जैसे कि यहां पे देखो बेटा लोन पेयर अलोंग विद बॉन्ड पेयर, देन द एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट व्हाट इज प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज प्रिडिक्टेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। सही बात है, देखो जैसे कि आप यहां पे देखो
इसकी ज्योमेट्री क्या एक्सपेक्ट की थी, देखो अब आपको मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे बताते हैं ज्योमेट्री को। लोन पेयर एच 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 रिपल्शन की वजह से पास आ जाएगा। हमेशा याद रखना यहाँ पे जब भी हमको ऐसे लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बतानी होती है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, जो लोन पेयर है उसको इग्नोर कर दो। क्या कर दो, इग्नोर, इसको इग्नोर कर दो और जो बाकी जो एटम बचते हैं उससे जो ज्योमेट्री बनेगी वो उसकी फाइनल शेप और उसकी ज्योमेट्री रहती है। देखो लोन पेयर को क्या कर दिया, इग्नोर। तो देखो फाइनल ज्योमेट्री कैसी दिख रही है हमको, एक नीचे ट्रायंगल प्लेन है और ऊपर एक पिरामिड है, मतलब एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिड है। देखो नीचे एक ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों और ऊपर नाइट्रोजन एक पिरामिड बना रहे, तो इसको इसमें बोलते हैं पिरामिडल, पिरामिडल शेप। तो जो एनएच थ्री है उसका शेप पिरामिडल शेप हो गया, होना क्या चाहिए था टेट्राहेड्रल। और ये सब किसके वजह से हुआ, ये एक्स के आने की वजह से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना लोन पेयर इस काइंड ऑफ एक्स, जिसके आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहां देखो, अल्सो द बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट एंड द ज्योमेट्री विल बी इरेगुलर डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या है, सब कुछ खराब हो गया। देखो बॉन्ड एंगल पहले 180 था, एक्स आ गई, अगर एक्स के आने की वजह से बॉन्ड एंगल 180 से कम हो गया, शेप लीनियर थी वो खराब होके अब बेंट शेप हो गई। तो ये सब क्या बताता है हमको कि इस लोन पेयर के आने की वजह से सब कुछ बदल जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बस यही बोलता है। और ये तो अभी हमने देखा बॉन्ड एंगल इज डायरेक्ट रिपल्शन बिटवीन पेयर्स, जितना ज्यादा रिपल्शन, बात समझो बेटा, देखो अगर ये जो एक्स है ये जितना ज्यादा रिपेल करेगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ये वाले बॉन्ड एंगल की बात करें हम, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल उतना क्या होता है, कम होते जाएगा। तो मेक श्योर जितना ज्यादा रिपल्शन उतना बॉन्ड एंगल कम, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब एक बात समझना, अब ये सब बनाना मैं आपको भी सिखाऊंगा, पर हम लोग पहले समझते हैं, एक और केस समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझो। वाटर की बात करूं मैं तो वाटर का शेप कुछ इस तरीके से होता है, उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं वाटर के पास ऑक्सीजन के। क्यों, क्योंकि छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो बॉन्ड बना लिए तो चार इलेक्ट्रॉन बच गए, चार इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब दो पेयर है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, ठीक है। बेटा यहां देखना, यहां पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो यहां पे कौन सा रिपल्शन प्रेजेंट है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है, बट हम लोग हमेशा जो मैक्सिमम वाला रिपल्शन उसको कंसिडर करते हैं। तो लोन पेयर, लोन पेयर कब प्रेजेंट है, तो देखो इससे क्या होगा, ये लोन पेयर रिपल होंगे, तो सपोज ये दो लोन पेयर है, ऐसे बताता हूं मैं आपको। देखो सपोज ये है, ठीक है, अब एक बात समझो, रुक जाओ, यहां पे रुक ही नहीं रहा यार ये, ठीक है, समझ लो ये रुका हुआ है, ठीक है। अरे यार रुकता ही नहीं है, ये बात ही नहीं मान रहा मेरी, ठीक है। अब आप देखो ये लोन पे ये दो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बड़े बात समझना, ये छोड़ दो यार, ये रुक ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। बेटा बात समझो, अगर बेटा ये लोन पे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये लोन पे इस तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ। तो लोन पे जब नीचे की तरफ आएगा तो ये इसको और ज्यादा रिपेल करेगा, है ना, ये इसको और ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टाइप का रिपल्शन प्रेजेंट है, लोन पेयर, लोन पेयर, और यहाँ पे कौन सा टाइप का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं वाटर के केस में और अमोनिया के केस में ज्यादा रिपल्शन कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमने अभी पता करा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर रिपल्शन ज्यादा है इसके अंदर तो बॉन्ड एंगल बेटा किसका ज्यादा कम होना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट है, पर हमने अभी देखा कि इसका एंगल कितना होता है, 107 डिग्री होता है एक्चुअल में। वैसे बेटा वाटर में जो एक्चुअल एंगल होता है 104 डिग्री का होता है, कितना होता है बेटा, 104 डिग्री का। अब आप खुद देखो बेटा, 109 से 107 में कन्वर्ट होना है, 109 से 104 में कन्वर्ट होना, ज्यादा डिग्रीज का हुआ एंगल का वाटर के केस में। क्यों, बिकॉज यहां पे कौन से टाइप का रिपल्शन प्रेजेंट है बेटा, लोन पे टाइप का रिपल्शन, ठीक है। तो बेटा ये हमेशा याद रखना, ये वाला ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे बहुत काम देगा, ठीक है। एंड मेक श्योर आप आगे की वीडियो देखो, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको ये देखो ये सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाना सिखाऊंगा, और जितने मॉलिक्यूल मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा उससे बाहर एग्जाम में एक भी मॉलिक्यूल नहीं आएगा, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक में जितने भी हैं सबका शेप बनाना। देखो ये IIT-JEE में आया हुआ था, ठीक है, वैसे एक स्पेशल केस से, फिर हम बॉन्ड एंगल सब पढ़ेंगे। तो मेक श्योर आप आने वाली वीडियो देखो अच्छे से, एंड सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो स्टार्टिंग सारी वीडियो देखो, बिकॉज क्या होता है कि मैं ना आप कभी कभी ऐसा पॉइंट बता देता हूँ जो एग्जाम में इनडायरेक्टली आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप सारा एक एक सेकेंड देखो और आप लोग वीडियो की क्वालिटी सेट कर लिया करो, ठीक है। और आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये याद रखना है आपको,
एंड ये याद रखना है कि एक्सियल बॉन्ड बड़ा होता है इक्विटोरियल बॉन्ड से, ठीक है। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी का ये ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है, और ये रिलेशन याद होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल इन्वर्सली टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना कम बॉन्ड एंगल, ठीक है बेटा।